नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नए साल का मौका है और इस वक्त हम तेजस्वी यादव के घर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी जो है वो नए साल के मौके पर, आप देख सकती हैं कि नए साल के मौके पर कंबल का वितरण कर रही हैं। अब हम आपको थोड़ी सी करीब ले जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मौजूद हैं उनकी माँ और उनकी पत्नी। और नया साल सबों के लिए खास होता है, पूरे देश भर में नया साल मनाया जा रहा है और तेजस्वी यादव की शादी के बाद ये पहला नया साल है, पहला न्यू ईयर है। और रेचल उनकी पत्नी, या कहें कि राजश्री जो है, वो खुद अपने हाथों से गरीब महिलाओं को कंबल बांट रही हैं। आपको बता दें कि महिलाएं जो हैं वो जितने भी सरकारी क्वार्टर, उसके आसपास जितनी भी झोपड़पट्टी हैं वहां से आई हैं और सबों को कंबल जो है वो सबों को कंबल जो है वो दिया जा रहा है महिलाओं को। उनकी पत्नी राजश्री के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, और कुल मिलाकर कहें कि आज जब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा भी कि नए साल के मौके पर वो पूरी मेहनत के साथ बिहार के मुद्दे को उठाएंगे। और साथ ही सवाल भी खड़े किए कि नीतीश सरकार को राज किए करीब 16 साल हो गए, इन 16 सालों में उन्होंने क्या विकास के कार्य किए, और पूछा भी। और मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव लड़ने का पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो लड़ सकती हैं, लड़ना चाहिए, सभी लोग चाहते हैं कि उनकी पार्टी का विस्तार हो रहा है, तो मुकेश सहनी अजीत राम मांझी चाहते हैं, इसमें क्या गलत है। और देखिए विजुअल्स आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पत्नी लगातार कंबल का वितरण जो है वो कर रही हैं। कुल 500 कंबल मंगाए गए थे, देर रात ही कंबल आया था और महिलाएँ जो हैं वो सुबह से राबड़ी हाउस के बाहर जमा हुई थी कंबल लेने के लिए। और आज दोपहर का वक्त है और विजुअल्स लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से राबड़ी देवी और उनकी बहू राजश्री जो है वो गरीब महिलाओं को कंबल बांटती हुई नजर आ रही हैं। तो पूरा राबड़ी हाउस के जो अंदर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, दिखा रहे हैं कि भर चुका है। आम कार्यकर्ता हो चाहे गरीब महिला हो, सभी जो लोग हैं वो राबड़ी हाउस आए हैं और सबकी एक उम्मीद और अपने नेता के साथ नया साल का पहला दिन मनाने जा रहे हैं। और हमारे साथ भोला रहे, ये बड़ी पहल है, तेजस्वी यादव ने 500 महिलाओं को कंबल बांट रहे हैं। ये जारा काफ़ी गिर गया है और गरीबी लोगों के कठिनाई को देखते हुए नेता ने ये निर्णय लिए हैं, ये सराहनीय कदम है। और हम समझते हैं हम लोगों की पार्टी का जो आधार है वो यही आम लोग हैं। चलिए, हम लोगों की पार्टी का आधार ही आम लोग हैं और आज आम लोगों के लिए दरवाज़ा जो है वो राबड़ी हाउस का खुल गया है। और विजुअल्स भी देख रहे हैं, चाहे आम या खास यहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ एक समान है, सब लोगों के लिए दरवाज़ा खुल गया है। नए साल के मौके पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष के घर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर महिलाएं से लेकर बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग से लेकर गरीब लोगों से लेकर तमाम तबके के लोग जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और तेजस्वी यादव के साथ नए साल मना रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।